नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जिस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर 5 नए कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। मरीजों में 2 बिलासपुर के हैं और जगदलपुर के हैं। महासमुंद और दुर्ग के एक एक मरीज हैं। कल रात मुंगेली में भी एक मरीज मिला था, कोरोना का एक मरीज। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 321 हो गई है। सत्या राजपूत, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 5 नए मरीज मिले हैं। सत्या, कौन है ये मरीज, कहां से आए थे, क्या कुछ इनके बारे में जानकारी? ये जो 5 नए मरीज बताया है, जो ये दूसरे राज्यों से आए हैं, बाहर की हिस्से बताया जा रहा है, क्योंकि मुंगेली का जो मरीज है वो कल रात को ही पहचान हो गई थी, और बाकी जो मरीज हैं बिलासपुर से राजनांदगांव के, जिसको आज चिन्हित हुए हैं, तो इस तरह संख्या बढ़कर 330 हो गई है। और टोटल मरीजों की बात करें तो 400 के पार हो चुका है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें, जिस तेजी से मई के लास्ट महीने में जो लास्ट सप्ताह में जितने मरीज आ रहे थे, उतने ही अब उनके रेशियो में कमी आई है। पहले जिस तरह से 40-50-60 ऐसे मरीज आते रहे हैं, लेकिन अभी ये स्थिति है कि अब जो मरीजों की संख्या में कमी आई है, और जो रेशियो की बात करें तो इस तरह लगातार है। और मजदूर जो जितने भी मजदूर सामने आते जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और प्रदेश में लगभग 2 लाख मजदूर बाहर से आ चुके हैं, और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उन सभी को क्वारंटाइन किया गया, और जितने पर पॉजिटिव चिन्हित हुए उनको वो हॉस्पिटल में बेहतर इलाज दी जा रही है। शुक्रिया सत्य जानकारी साझा करने के लिए।